तो फ्रेंड्स, हमने जो लास्ट वीडियो में अपना पार्ट वन जो था इस वीडियो का, तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि किस तरह से क्रेडिट मैनेजर जो प्रोफाइल है उसके अंदर हमारे पास जो है बेसिकली थ्री चैलेंजेस हैं। फर्स्ट चैलेंज तो ये है कि हमने जो लोन देना है वो गुड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए हमारी, बेसिकली गुड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट है हमारे बिजनेस की, हमारे बैंक की। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैंक के पास जो पैसा है वो अच्छी जगह पे जाए, वहाँ पे कोई डिफॉल्ट के चांस ना हो। तो एक तो ये चैलेंज है हमारा। दूसरा कि बैंक, क्योंकि प्राइवेट बैंक या कोई भी बैंक प्रॉफिट ओरिएंटेड बैंक है, तो लोन एक तरह से उनका बिजनेस है। तो आपके पास सेकंड चैलेंज तो ये भी आता है एज ए क्रेडिट मैनेजर कि आपको आपका बैंक या आपका एरिया जिस जगह पे आप बैठे हैं वो आपका कितना बिजनेस कर रहा है। अल्टीमेटली आप अगर वहाँ पे अगर बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, सारे केस रिजेक्ट हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होएगा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में तो खास करके कुछ महीने बाद आपकी जॉब पे रिस्क आ सकता है। तो अकॉर्डिंगली वो आपको ये बोल सकते हैं कि आप अपनी लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट हो जाओ जहाँ पे बिजनेस हो रहा है। पर बिजनेस होने का मतलब ये नहीं, बिजनेस नहीं हो रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत जगह पे लोन बांट दें। तो ये चीज का बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि आप केस को किस तरह से एडजस्ट करना है, या किस तरह से आपको अपना बिजनेस भी जनरेट करना है और आपको इन्वेस्टमेंट्स भी गुड बनानी है। तो ये सारा चीज आप क्रेडिट मैनेजर प्रोफाइल में अपने एक्सपीरियंस के साथ जैसे जैसे टाइम बीतता है उसके अकॉर्डिंग सीखते हैं। थर्ड चीज आपके लिए चैलेंज रहता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो कस्टमर को सेटिस्फाई करवाना मैंडेटरी है हर एक के लिए, क्योंकि आजकल जो लोन की अमाउंट है या रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप अक्रॉस द बैंक्स देखेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 50 पैसे या 60-70 पैसे का रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस रहता है मेन मेन बड़े बड़े बैंक्स में, मेडियोकर बैंक्स में। तो अगर कस्टमर को आप अपने पास लेके आना चाहते हैं तो सिर्फ रेट ऑफ 50-60-70 पैसे के रेट ऑफ इंटरेस्ट के फर्क की वजह से कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। तो अगर आप उसको कस्टमर को अच्छा अपना रिस्पॉन्स दिखाते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो मार्केट में आप अपनी रेपो अच्छी बनाते हैं अपने बैंक की, बैंक कस्टमर को सर्विस अच्छी देता है, तो अल्टीमेटली आपके पास कस्टमर्स खुद ब खुद आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चीज आपके लिए तीन चीज चैलेंज रहती है क्रेडिट मैनेजर प्रोफाइल के अंदर। सेकेंडली, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह से हमारे पास कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या इससे पैसा आता है, तो उस पैसे की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको हमने एज अ लोन डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज अ लोन उसी पैसे को, और जो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट है वो बैंक की कमाई होती है। तो जो कासा है बेसिकली, ये कासा बैंक की लाइबिलिटी है कि बैंक ने कस्टमर्स को ये पैसा देना है, तो लाइबिलिटी है। तो मतलब इसको हम रिटेल लाइबिलिटीज प्रोडक्ट बोल देते हैं, रिटेल लाइबिलिटीज प्रोडक्ट, आरएल प्रोडक्ट बोल देते हैं। जो लोन है वो बैंक ने लोगों को लोन पैसा दिया है, तो बैंक ने अल्टीमेटली ये पैसा लेना है, तो ये बैंक के लिए एसेट है। तो ये रिटेल, अगर आप रिटेल लोन्स में काम कर रहे हैं यानी मीडियोकर टाइप लोन्स में, तो रिटेल एसेट्स बोल देते हैं इसको, आरए सेगमेंट बोल देते हैं। तो जो क्रेडिट मैनेजर प्रोफाइल है वो आरए सेगमेंट में काम करती है, यानी कि आप बैंक को उसके एसेट्स जनरेट करके दे रहे हैं, बैंक को एसेट्स बना के दे रहे हैं। तो ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करना चाहते हैं कि अब आपके पास किसी क्लाइंट ने लोन के लिए अप्लाई कर दिया है, तो मैंने आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ कि वो एप्लीकेशन फॉर्म देगा और जो लोन के अगर डॉक्यूमेंटेशन आपकी बैंक की पॉलिसी के हिसाब से है वो आपको सारे सबमिट करेगा। तो अभी आपके लिए पिक्चर, अब आपको क्लाइंट को असेसमेंट करना है, उसकी पिक्चर बनानी है, तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है कि जैसे मिस्टर ए है, वो आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन सारी दे रहे हैं एडजस्ट करने के लिए कि ये लो भाई मेरे डॉक्यूमेंट पकड़ो, मेरे केस को एडजस्ट करो। तो ये एक टाइमलाइन मैंने बनाई है, ये एक टाइमलाइन मैंने बनाई है। तो ये आज का टाइम है, ये पास्ट का टाइम है, अब ये कमिंग टाइम है, फ्यूचर का टाइम है, ये फ्यूचर है, ये सारा फ्यूचर है, ये सारा पास्ट है, ये टुडे है, ये आज का दिन है। व्हेन यू रिसीव्ड डॉक्स, आपने लोन के डॉक्यूमेंटेशन सारे रिसीव किए हैं आज। तो ये डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ये हिस्टोरिक डाटा है, ये हिस्टोरिक डाटा है पास्ट का, दे रिप्रेजेंट हिस्टोरिक डाटा कि पास्ट में क्लाइंट ने क्या किया है, पीछे क्या किया है क्लाइंट ने, जो जितने भी साल के अपने फाइनेंशियल्स लिए हैं 3 साल के, तो ये पास्ट में क्या करता आया है क्लाइंट।
तो आपको ये डॉक्यूमेंटेशन ये चीज बताते हैं, तो आपके पास यहां तक की असेसमेंट है क्लाइंट की, तो आप आज के दिन में बैठे हो, आपने आज डॉक्यूमेंट रिसीव किए हैं जो आपको इस टाइम की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और अब आपको जो लोन देना है, जो आपने लोन देना है वो आपने देना है इस पीरियड के लिए, लोन देना है आपने इस पीरियड के लिए, यानी कि लोन इज गिवन फॉर फ्यूचर, लोन इज गिवन फॉर फ्यूचर। सो फ्यूचर को किसी ने नहीं देखा कि फ्यूचर क्या है, अच्छा है कि बुरा है, कैसा रहेगा कैसा नहीं। तो आप पास्ट डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे, पास्ट डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये क्लाइंट ने पीछे भी इतना टाइम परफॉर्म किया है, ऐसे ऐसे उसने प्रोडक्ट चलाया है, तो ये फ्यूचर भी उसका स्ट्रांग रहेगा, ये आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो सिंपल डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को एजेस्ट करने से आप अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे एक्यूरेटली। आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, आपका इंडस्ट्री एनालिसिस भी स्ट्रांग होना चाहिए, आपका इकोनॉमिक एनालिसिस भी स्ट्रांग होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कर रही है, या जिस सेक्टर में आप अपनी जॉब ढूंढ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पंजाब में लुधियाना में जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि लुधियाना में कौन कौन सी इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है और कौन कौन सी इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। तो दैट इज वाई एक अच्छी प्रोफाइल, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या जो भी मतलब इस तरह से टेक्निकल जो पर्सन हैं, वो इस प्रोफाइल के लिए हायर किए जाते हैं, क्योंकि उनको प्रज्यूम किया जाता है कि उनको इन चीज़ों के बारे में पता होगा। बट वो बात अलग है कि जो आजकल की क्वालिटी मैं देख रहा हूँ लोगों में जो निकल के आ रही है, कि उनको इन चीज़ों के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं होता, तो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग करने की ज़रूरत है। तो एक तो चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको इस चीज के पास्ट डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे आपको उनका फ्यूचर प्रोडिक्ट करना है। तो फ्यूचर इज ऑलवेज रिस्की, ये आपको पता है, फ्यूचर इज ऑलवेज रिस्की। आपको जितना मर्जी आप एनालिसिस लगा लो, तो कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कत तो आ ही सकती है। कोई भी बैंक ऐसा नहीं है कि जिसका कोई भी लोन में डिफॉल्ट ना हुआ हो, तो जरूर फ्यूचर तो ऑलवेज रिस्की है। तो फ्यूचर का कुछ नहीं पता कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी चेंज हो जानी है क्या नहीं, और कैसे लोन आपके चलेंगे कैसे नहीं। तो हमें अपने आप को सिक्योर करना पड़ता है, सिक्योर अगेंस्ट फ्यूचर रिस्क, सिक्योर अगेंस्ट फ्यूचर रिस्क, ठीक है। तो वो हम सिक्योर कैसे करते हैं खुद को, बाय वे ऑफ कोलेटरल, बाय वे ऑफ कोलेटरल, कोलेटरल यानी प्रॉपर्टी। हम क्लाइंट से प्रॉपर्टी की डिमांड करते हैं कि भाई अगर आपको लोन देना है तो आपको हमें प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। तो वो प्रॉपर्टी हम क्यों लेते हैं, ताकि हम अपने आप को फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटीज हैं उससे सिक्योर कर पाए। तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखनी है, दो चीजें ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई केस का डिसीजन करना है आपको, अगर आपको कोई केस डिसीजन करना है, तो आप उसको दो एंगल से देखेंगे, एक तो फाइनेंशियल एंगल से, फाइनेंशियल एंगल से, और एक प्रॉपर्टी एंगल से। फाइनेंशियल एंगल से एंड प्रॉपर्टी एंगल से। अब जब मैंने फाइनेंशियल एंगल का नाम भी लिया, इसमें सारा एनालिसिस आ गया, इसमें आपका इंडस्ट्री इकोनॉमिक एनालिसिस भी आ गया, फाइनेंशियल एनालिसिस भी आ गया, जो भी फाइनेंशियल और जो भी मैं पार्ट्स आपको आगे कमिंग वीडियोस में सिखाने वाला हूँ, वो सारा इस पार्ट में कवर हो गया फाइनेंशियल एनालिसिस में, फाइनेंशियल एंगल में, ठीक है। तो इसमें पार्टी का बैकग्राउंड चेक भी आ गया, उसका रेफरेंस चेक भी आ गया मार्केट से, ये सारा पार्ट इसमें कवर कर रहे हैं, मैं इसको एक जनरल टर्म दे रहा हूँ फाइनेंशियल एंगल। अब नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रॉपर्टी एंगल है, कि प्रॉपर्टी एंगल से केस आपको कैसा लग रहा है। तो जो फाइनेंशियल एंगल से उसकी एलिजिबिलिटी है, अब एलिजिबिलिटी का देखिए प्रोडक्ट वाइज डिफरेंस करता है। जो मैं क्रेडिट प्रोफाइल को समझता हूँ कि एलिजिबिलिटी आपके कंफर्ट के बेस पे होनी चाहिए, कि आपको किस तरह से क्लाइंट लगता है, जो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं या जो बैंक ने सॉफ्टवेयर दिए हैं वो ठीक है, वो एक एज अ गाइडेंस सोर्स आपके लिए काम करते हैं, बट आपकी मैथमेटिकल या आपके एनालिटिकल एबिलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन के लिए। जिस एलिजिबिलिटी एज पर फाइनेंशियल एंगल जो आपको लग रही है कि भाई मैं इस बंदे को 1 करोड़ का लोन देने के लिए कंफर्टेबल हूँ, एक तो वो एलिजिबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 करोड़ की एलिजिबिलिटी बनी आपके अकॉर्डिंग, एक प्रॉपर्टी के एंगल से एलिजिबिलिटी, सेकेंड प्रॉपर्टी के एंगल से एलिजिबिलिटी क्लाइंट की। प्रॉपर्टी के एंगल से आपको लगता है कि मैं 50 लाख रुपए का लोन दे सकता हूं, तो विच एवर इज लेस दैट विल बी द फाइनल लोन,
अगर आपकी प्रॉपर्टी के हिसाब से आप 1 करोड़ दे सकते हैं, बट आपके फाइनेंशियल्स के असेसमेंट या उसके हिसाब से आप 50 लाख की दे सकते हैं, तो आप 50 लाख रुपए ही देंगे। तो ये केस को डिसीजन करने के लिए दो चीज़ों का आपको अल्टीमेटली ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर्टी के एंगल से केस को देख रहे हैं और एक आप फाइनेंशियल एंगल से दे रहे हैं। दोनों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। आपके लिए चैलेंज क्या आएगा, अगेन फिर से मैं वो चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ। जैसे ऊपर भी मैंने 3 चैलेंजेस डिस्कस करे थे आपके साथ कि आप क्रेडिट मैनेजर प्रोफाइल में आते हैं कि लोन अच्छी जगह पे दें, बिजनेस आपको बैंक का बिजनेस कराना है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी करानी है, ठीक है। तो इसमें आपके लिए चैलेंज क्या आएगा, तो जब आपको जो सेल्स मैनेजर हैं या जो आरएम्स हैं या जो बिजनेस टीम है या सोर्सिंग टीम है, वो आपको बोलेंगे कि आप भी, आपके पास प्रॉपर्टी आ रही है, प्रॉपर्टी इज कमिंग, तो आप, या जो मैं ये सरकारी बैंक, ये आजकल मैंने सरकारी बैंक का ट्रेंड देखा है कि सरकारी बैंक ने ज्यादातर केसेस को प्रॉपर्टी के कंफर्ट पे किया हुआ है रेदर देन फाइनेंशियल एंगल से देखने की बजाय। तो आप कई बार जो पुराने सोच विचार के लोग कस्टमर से भी मिलेंगे ना, तो वो कस्टमर्स आपको यही बोलेंगे कि भाई मैं आपको 2 करोड़ की प्रॉपर्टी दे तो रहा हूँ, आप अभी भी मेरे को लोन देने के लिए तैयार नहीं हो। आप उनको ये फाइनेंशियल एंगल समझ में नहीं आता कि हाँ भी फाइनेंशियल एंगल क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो सिर्फ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो सेम चीज़ आपको, आपको एक ऊपर प्रेशर भी आता है इस चीज़ का कि भाई आप इतनी, हम आपको प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो आप अपने अपने केस को सेंक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इस लोन को पास क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इस पे ऊपर कॉल क्यों नहीं ले रहे हैं। तो मेरा हमेशा ये मानना होता है कि जब मैंने ये टाइम टेबल जो बनाया है पहले ही ऊपर, मेरा ये जो मानना है कि जो हम लोन देते हैं किसी को, फॉर एग्जांपल हमने ईएमआई बेस्ड लोन दिया कि आपको मंथली रीपेमेंट करनी है हमारे लोन की, तो वो ईएमआई जो निकलनी है उसके फाइनेंशियल से निकलनी है। मेरी बात समझ रहे हैं आप, कि जो अगर उसके फाइनेंशियल, उसकी कोर स्ट्रांग है, उसकी बिजनेस की इनकम जनरेटिंग एबिलिटी या कैश जनरेटिंग एबिलिटी स्ट्रांग है, तो तभी वो आपको ईएमआई रीपे कर पाएगा। अगर वो स्ट्रांग ही नहीं है, तो अगर आपके पास आपने सिर्फ प्रॉपर्टी रखी हुई है तो उसका भी क्या फायदा, अगर आपको कल को वो ईएमआई देने में दिक्कत करने लग गया, ईएमआई तोड़ने लग गया, ईएमआई टाइम पे नहीं रीपे कर रहा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो आपका अकाउंट है वो डेलिक्वेंसी में आ जाएगा। तो डेलिक्वेंसी में आ जाएगा तो वो कल को नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए बनना शुरू हो जाएगा। तो एनपीए बनना शुरू होगा तो उसके बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होगी, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बाद सरफेसी प्रोसीडिंग्स होंगी, जो भी लीगल नोटिस आएंगे, तो बहुत टाइम लग जाता है प्रॉपर्टी का आपको पोजेशन लेने में। फिर प्रॉपर्टी का आपको पोजेशन मिलेगा, फिर आप उसको ऑप्शन में सेल पे लगाएंगे, तो ऑप्शन में भी सेल होने में बड़े ही लीगल टेक्निकल एंगल आते हैं, तो वो सारा प्रोसेस बहुत ही लंबा चला जाता है मेरे फ्रेंड्स। तो वो चीज़ कभी भी कोई बैंक नहीं चाहता, तब तक तो आपकी इज्जत बहुत खराब हो चुकी होती है कि आपने ये लोन दिया था, ये लोन तो फट गया, लोन ने तो परफॉर्म ही नहीं किया। तो ये चीज़ जो प्रॉपर्टी का कंफर्ट है, ये एक सेकेंडरी कंफर्ट है जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से बचाने के लिए आप ले रहे हैं। बाकी जो आपको केस का अपना कंफर्ट बनाना है वो फाइनेंशियल एंगल से ही बनाना है। आप जो लोन दे रहे हैं वो ऑलवेज आप प्रज्यूम कर रहे हैं, आप ये बात हमेशा याद रखना, जो लोन देते टाइम आप ऑलवेज ये प्रज्यूम कर रहे हैं कि इट विल बी पेड बैक। आप लोन देते टाइम ये कभी भी प्रज्यूम नहीं करते हैं कि आपको इस लोन की जो रिकवरी है वो प्रॉपर्टी बेच के ही करनी है। आप ये चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखिए, लोन देते टाइम या लोन देने का मोटिव आपका ये नहीं है कि जो लोन की रिकवरी है आप वो प्रॉपर्टी को बेच के करेंगे। लोन देते टाइम या लोन पास करते टाइम आपका जो मोटिव होता है वो आपका होता है कि बैंक, जो क्लाइंट है वो हमारा अच्छा बिजनेस कर रहा है, वो जो बिजनेस में से कमाई करेगा उसी कमाई में से अपने लोन्स को पे बैक करेगा, ठीक है। तो इस चीज से ही आपने चलना है। जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हम इस वजह से लेते हैं कि जो क्लाइंट है अगर कल को कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस फ्यूचर में आ जाए जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ क्लाइंट हो, जिसमें क्लाइंट भी खुद को ना बचा पाए, जैसे ये कोविड आया तो कोविड में बहुत सारे लोन्स फट गए हैं लोगों के, बहुत सारे क्लाइंट्स खराब हो चुके हैं, तो उनमें उन क्लाइंट्स का कसूर नहीं है, तो वो सर्कमस्टांसेस इस तरह के डिवेल्प हो गए कि क्लाइंट्स अपने आप को बचा ही नहीं पाए। तो इस तरह के या और भी सर्कमस्टांसेस इकोनॉमी में हो सकते हैं, तो आप प्रॉपर्टी इस एंगल से लेते हैं कि हाँ भी इन अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस में अगर आप क्लाइंट आपका स्टैंड नहीं कर पाएगा तो एटलीस्ट आपके पास ये अपने आप प्रिंसिपल सिक्योर करने का एंगल हो, प्रॉपर्टी आपके पास हो ताकि आप अपने आप को सिक्योर कर पाए। तो इसका मतलब दो चीजें हो गई आपके लिए कि एक तो ये चीज आपको समझ में लग गई है, प्रॉपर्टी का मीनिंग समझ में लग गया है, बट आपको साइमल्टेनियसली एक बीच में ये चीज भी सोचनी पड़ेगी कि दैट डजंट मीन कि जो प्रॉपर्टी का कंफर्ट है वो लेस वर्दी है रेदर देन फाइनेंशियल कंफर्ट। और मेरे कहने का मतलब ये है, आप ये मत समझिए कि अगर आपका फाइनेंशियल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो
आप प्रॉपर्टी के कंफर्ट को छोड़ देंगे। तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली ही चलनी है। अगर आपकी जो वो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, अगर फाइनेंशियल वाइज एलिजिबिलिटी आपकी इतनी है और प्रॉपर्टी वाइज इतनी है, तो आप व्हिचएवर इज लेस अमाउंट ही देंगे उनको। आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट या जो आपका लोन अमाउंट है उसकी सिक्योरिटी को पूरा जोर देंगे। पर ऑल्दो जब आप लोन देते हो तो आपकी जो इंट्यूशन होती है, जो आपका जो मीनिंग होता है या जो आपका मन की बात होती है, वो ये होती है कि ये जो लोन मैं दे रहा हूँ ये क्लाइंट अपने प्रॉफिट्स में से, अपने फाइनेंशियल्स में से, बिजनेस में से कैश जनरेट करके मेरे को पे बैक करे। तो ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी जो बेसिक लेवल की चीजें हैं, जो एक अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, जस्ट कॉमन, यानी कि मैं जस्ट बेसिकली कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप क्रेडिट मैनेजर के माइंड में घुस पाएं, उसके शूज में स्टेप इन कर पाएं कि भाई वो किस तरह से सोच रहा है या उसको किस तरह से बैंक में सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है। तो अभी ये जो फाइनेंशियल एंगल की एनालिसिस वाला पार्ट है, ये एक लेंथी पार्ट है, इसमें काफी सारी वीडियोस बनेंगी मेरी। बल्कि जो ये प्रॉपर्टी एंगल वाला पार्ट है कि प्रॉपर्टी की एलिजिबिलिटी क्या है या प्रॉपर्टी को क्या देखना है क्या नहीं, ये एक कंपैरेटिवली स्मॉलर पार्ट है, ये कुछ वीडियोस में ही कवर हो जाएगा। तो मैं पहले आपको इसी से ही स्टार्ट करता हूँ कि आपको प्रॉपर्टी एंगल किस तरह से देखना है और क्या क्या देखना होता है प्रॉपर्टी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स क्या होती हैं। तो पहले मैं प्रॉपर्टी एंगल ही आपको क्लियर कराऊंगा, देयर आफ्टर मैं आपको फाइनेंशियल एंगल पे लेके आऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छे तरह से याद रखिए ताकि आपका एक बेस बना रहे कि हम एक्चुअली में किस डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टी एंगल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।